9 सितंबर को रिलीज होने वाली है धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म ब्रह्मास्त्र। इस फिल्म में बिग बी अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे सितारे हैं, लेकिन फिल्म में संस्कृत की बड़ी भूमिका होगी क्योंकि संस्कृत के मंत्र हैं, श्लोक हैं और बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उसमें भी संस्कृत के मंत्र हैं, जिनको लिखा है लखनऊ के युवा प्रसून गुप्ता ने। प्रसून जी, संस्कृत में आपने डायलॉग लिखे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मंत्र लिखे हैं, तो कैसे ये फिल्म आपको मिली? मेरी स्कूलिंग हुई है सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और ज्ञान मंदिर जैसे स्कूल से, तो वहां से हिंदी संस्कृत का थोड़ा सा मेरे अंदर ये इनपुट आया है। और उसके बाद मैं लाफ्टर चैलेंज में गया था, तो लाफ्टर चैलेंज में मेरी मुलाकात हुसैन दलाल जी से हुई। हुसैन दलाल एक डायलॉग राइटर है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र के डायलॉग्स भी लिखे, तो उन्होंने सामने से मुझे ऑफर किया कि संस्कृत के डायलॉग्स के आप लिखें, मैंने कहा बिल्कुल। तो वहां से संस्कृत के डायलॉग्स की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद प्रीतम दा म्यूजिक कर रहे हैं फिल्म का, तो उन्हें लिरिसिस्ट चाहिए था जो संस्कृत में मंत्र श्लोक लिख पाए, तो उन्होंने रिकमेंड किया प्रीतम दा को कि एक बंदा ऐसा है जो हमारे संस्कृत के डायलॉग्स कर रहा है। तो प्रीतम दा से बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर लिरिक्स के लिए काम शुरू किया, तो वहां से मैंने संस्कृत के सारे तो आ चुका है उसका। तो आप कुछ ऐसा सुनाइए हमको फिल्म में। टीजर में एक मंत्र है, सर्वस्त्र प्रधानम सर्वशक्तिमानम त्रिखंडम संयोगम आहवानम ब्रह्मास्त्रम, और एक ट्रेलर में आपने मंत्र सुना होगा, नमो देवाय महेश्वरा अग्नि ज्वालम जटाधरा ब्रह्म तेज नायकम शिवा शिवम नमो नमः। बिल्कुल एक, लेकिन ये बात बताइए कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में सब जानते हैं कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, संस्कृति में भी उनको बहुत, संस्कृति के क्षेत्र में भी ज्ञान है, तो वो आपके डायलॉग बोल रहे हैं, ये बात कुछ एक्साइटमेंट वाली थी? हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली, मतलब मेरे लिए सपने की तरह था कि अमिताभ बच्चन सर, नागार्जुन सर, रणवीर, आलिया, ये मतलब ये लोग इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका, और मतलब मेरी पहली फिल्म ये, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, बहुत ही मजा आया, मतलब मैं बता नहीं सकता। और मैंने देखा जितने बड़े लोग हैं ना, सब काम करने बड़े हम्बल, बड़े प्यार से काम, मतलब कभी उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से, और बहुत मजा आया मुझे फिल्म में। अच्छा, फिल्म में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके भी नाम आपने दिए, आयुध जिनको बोलते हैं, तो फिल्म कुछ ऐसी बनी है कि जिसमें इन सब चीजों का लोगों को जानकारी मिलेगी, इन सब चीजों जी 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 जी, क्योंकि नाम ही ब्रह्मास्त्र है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कौन कौन से उसमें अस्त्र है, हम कह सकते हैं वेपन्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं उनका नाम भी मैंने दिया है, जैसे एक प्रभास्त्र है, एक वानरास्त्र है, एक नंदी अस्त्र है, एक जलास्त्र है, एक आग्नेयास्त्र है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अस्त्र आपको मिलेंगे देखने को, तो बहुत मजा आने वाला है फिल्म में आपको। लेकिन एक कंट्रोवर्सी पहले हो गई कि ये रणबीर कपूर का एक सीन है जो ट्रेलर में शायद है कि वो दुर्गा पंडाल में जाकर के घंटी बजाते हैं जूते पहनकर, तो आपको लगता है कि इसको लेकर भी जो विरोध हो रहा है या फिर लाल सिंह चड्ढा की वजह से जिस तरह से रणबीर कपूर का, तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि देखिए दर्शक सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, और बस उनसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि हम मेरे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे लोग फिल्म में जुड़े हुए हैं, फिल्म से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी फिल्म की वजह से ही चलती है, तो प्लीज कुछ भी बायकॉट करने से पहले सबके बारे में सोच लें प्लीज, क्योंकि हजारों लाखों लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उन सबकी तरफ से मेरी एक गुजारिश है। और रही बात दुर्गा पंडाल वाली, तो दुर्गा पंडाल जब लगता है ना तो बहुत भव्य पंडाल, बहुत बड़ा पंडाल लगता है, और पंडाल के बाहर जब हम अंदर घुसते हैं पंडाल के, तब वहां पे जूते चप्पल नहीं उतारते हैं, जूते चप्पल उतारने का स्थान जहां पे देवी की स्थापना है, वहां जब हम उनके पैर छूने जाते हैं तब वहां पे हम लोग जूते चप्पल उतारते हैं, तो वो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। एक ऐसी फिल्म जो माइथोलॉजी से कहीं ना कहीं से कनेक्ट करती है, संस्कृति से जुड़ी हुई, उसके लिए रिसर्च तो बहुत करना पड़ा होगा, नहीं तो इस तरह की कई बातें सामने आती हैं। जी, आप लोगों ने रिसर्च किया है आपने, क्योंकि खासतौर पर आपने लिखा है, तो नहीं मैं बहुत रिसर्च किया है, जब भी आता था काम हम लोग दिन रात जुट जाते थे, मेरा भाई प्रशांत गुप्ता और मेरा एक फ्रेंड अखिल गंगवार, इन लोगों ने बहुत मदद की है, मतलब रिसर्च वर्क में और मेरे फिल्म के साथ लिखवाने में, तो जैसे ही काम आता था हम सारे लग जाते थे, इसलिए सो रहा होता था मैं उठाता था कि उठो जल्दी काम शुरू, काम आ गया है, तो फिर और ये भी बड़ी शिद्दत से लगते थे कि नहीं करना है करना है, तो हम लोग रिसर्च करके बहुत मेहनत, मतलब मैंने बताया ना 10 साल की जर्नी है ब्रह्मास्त्र, तो 10 साल से इस फिल्म को बना रहे हैं और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, हमारी संस्कृति को संजोकर, तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी पुरानी कथाएं, ये सब
आपको दिखेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए। तो ये है प्रसून गुप्ता, जिन्होंने फिल्म आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए संस्कृत में डायलॉग लिखे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में भी संस्कृत के मंत्र हैं, उनको भी इन्होंने लिखा है। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है जैसा कि ये बता रहे हैं। 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन संस्कृत में किस तरह से मंत्र और श्लोक डायलॉग लिए गए हैं ये भी फिल्म में एक देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।